नमस्कार, जय हिंद। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ एक नया सेशन, एक नया क्लास जो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। देखिए, आपका समय व्यर्थ ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज है वो है मूलधन। वो क्या है? मूलधन, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। इस चीज को बारी बारी से और एक एक करके समझते हैं। ए है, ये बी है, ये ए और बी कुछ भी मान लीजिए, दो जन है, दो व्यक्ति है, दो पुरुष है, दो आदमी है, महिला है, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन आपको टॉपिक समझना है कि कह क्या रहे हैं। ए मान लीजिए बी को 500 रुपया कर्ज के तौर पे देता है, बी को 500 रुपया उधार देता है, तो जाहिर सी बात है भाई कि ये 500 रुपया जो बी को उधार देगा वो कुछ ना कुछ समय के लिए देगा, वो एक समय निर्धारित करेगा। अच्छा, जब वो 500 रुपया उसको पैसा देगा तो वो एक इंटरेस्ट पे देगा, इंटरेस्ट पे देगा, तो इंटरेस्ट पे देने के लिए एक रेट निर्धारित करेगा कि हाँ भाई, हम तुमसे इतना पैसा ले रहे हैं जो कि ये दर होगा, ये रेट होगा, और इतना समय के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को समझते हैं। ए जब बी को 500 रुपया कर्ज के तौर पे देता है, उधार के तौर पे देता है, तो इसको कुछ समय के लिए देगा, तो समय के लिए देगा। देखिए, ये जो 500 रुपया दिया ना, तो आपका यही हो गया प्रिंसिपल, यही हो गया ए का मूलधन। जो ये 500 रुपया पैसा दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मूलधन राशि, यही 500 को बोलते हैं। अब आता है आगे, ये हो गया समय, जिसको कि हम लोग टी से डिनोट करते हैं। देखिए, समय या तो घंटा में होगा, या तो दिन में होगा, या तो सप्ताह में होगा, या तो महीना में होगा, या तो साल में होगा। अच्छा, दिन में मतलब समय में एक चीज और आपको बार बार देखने को मिलेगा, ये है वार्षिक। इसका बहुत बड़ा भूमिका है क्वेश्चन में, यही है जो सब कुछ निर्धारित करता है, मतलब और सब चीज का भी है लेकिन इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये वार्षिक जो है पूरा पूरा एक साल को इंगित करता है, बोले तो दर्शाता है या फिर समझाता है, जो समझिए। ये वार्षिक मतलब एक साल के बारे में वो कह रहा है। महीना, देखिए, अब ए जो बी को 500 रुपया पैसा दिया, तो ये जो 500 रुपया दिया ये हो गया इसका मूलधन राशि, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। जब इसको दिया होगा पैसा तो कुछ ना कुछ समय के लिए दिया होगा, तो मान लीजिए कि इसको 2 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया। ए बी को 500 रुपया देता है 2 साल के लिए, क्लियर है, 2 साल के लिए दिया। तो ये एक बात और बोला कि देखो भाई, हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं किंतु तुमको 2 साल में रिटर्न कर देना है। अच्छा, एक बात और भाई मेरे, तुम ना 2 रुपया हमको इंटरेस्ट भी दे देना भाई, इंटरेस्ट नहीं, 2 रुपया रेट पे दे देना, 2 रुपया रेट पे दे देना, रेट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं दर, दर रेट। अब देखिए, ए जो 500 रुपया बी को 2 साल के लिए दिया और 2 रुपया के दर से दिया, तो इस हिसाब से इसका पास कितना हो गया? देखिए, आप परसेंटेज में निकाले होंगे सिंपल तरीका से,
एक अंक के बाद दशमलव दिए तो 10% का मान, दो अंक के बाद दशमलव दिए तो 1% का मान, 1% का मान हो गया 5 और 2% का मान हो गया 10, 10 को 2 से गुणा करिए हो गया 20, 2 को 10 को 2 से गुणा करिए 20। अब ए जो है मतलब अब 2 साल के बाद ए का पैसा बी के पास कितना हो गया, 520 रुपया, 520 रुपया हो गया। एक चीज देखिए, अब ए के पास, ए के पास जो पैसा था वो 500 रुपया था, और 2 साल के बाद बी के पास वही पैसा कितना हो गया, 520 रुपया हो गया। जो 520 रुपया हो गया भाई, ये 500 रुपया था, 520 रुपया हो गया, मतलब बढ़ गया कितना, 20 रुपया बढ़ गया 2 साल में। ये जो पैसा बढ़ा ना, यही हो गया हमारा SI, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यही हो गया हमारा साधारण ब्याज। पूरा चीज जो है इसी चक्रव्यूह में है, पूरा चीज इसी चक्रव्यूह में है, SI साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज निकालने का एक एकदम छोटा सा और सिंपल सा तरीका है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। इसी फॉर्म से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने का सब कुछ अलग अलग है, मतलब टाइम के लिए अलग है, रेट के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, सब कुछ के लिए अलग है, लेकिन आप इस फॉर्म से जो है ना सारा कुछ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये हम लोग जानेंगे आगे। इसमें और कुछ नहीं है, ये पूरा चक्रव्यूह, पूरा साधारण ब्याज बस इसी चीज में है, और आगे आगे जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये साधारण ब्याज का ये पहला क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा है कि यदि 2500 रुपए को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये आपको इससे पहले मैं बताया था इंफॉर्मेशन में कि ये जो है ना ये हो गया आपका प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन। प्रिंसिपल कितना हो गया 2500, आर रेट ये जो हो गया आपका 8%, 4 अच्छा टाइम हो गया आपका 4 वर्ष। इसमें एक चीज और बोला, क्या बोला कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ठीक है 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको पूछा है क्या SI, इसमें पूछा क्या है SI। तो देखिए SI बराबर होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 2500 रुपया, लिख लीजिए 2500। रेट दिया हुआ है 8%, अच्छा T दिया हुआ है 4 वर्ष, और यही परसेंट का जो है ना नीचे 100 लगता है। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 गुना 8 चौके 32, 25 दुना 50, हाथ में रह गया 5, 25 या 75 और 5 हो गया 800। तो इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो 800 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपया ये हो गया आपका क्या प्रिंसिपल, कितना हो गया 3000, 9%, ये हो गया रेट 9%,
वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए। टाइम है 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? SI, देखिए SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। देखिए अगर इसको PRT बाय 100 लिखेंगे ना तो इसको भी यही समझिएगा भाई, ठीक है? ये बार बार इतना लिखने का दरकार नहीं, इसको शॉर्ट कर देंगे। SI बराबर PRT बाय 100, ये आपको सिर्फ बता रहे हैं, 2-4-5 क्वेश्चन के बाद इसी तरह लिखने लगेंगे, वो एक ही चीज होगा। तो P आपका कितना है? 3000। रेट कितना है? 9%। और समय कितना है? 3/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 3 9, 9 9 81, 1 जीरो दे दिए, 810 रुपया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 910 रुपया। देखिए अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में 800 निकाले थे ना, वो एक साल का निकाले थे, ठीक है? उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आ गया कितना? 810 रुपया। अगर इसी में आपका अमाउंट पूछ लेता, मतलब मिश्र धन, अगर इसी में आपका अमाउंट पूछ लेता तो इसमें क्या करते पता है? प्रिंसिपल और SI को जोड़ देते, यही निकल जाता आपका अमाउंट। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि 800 रुपया को, यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 800 रुपया। देखिए भाई अभी ये सब बता रहे, इसके बाद डायरेक्ट करने लगेंगे, बार बार बोल रहे हैं अब, इसलिए समझ जाइए। 800 रुपये को राशि 3 वर्ष, यानी टी बराबर कितना हो गया? 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर रुपए, SI जो है साधारण ब्याज आपको इसमें दे रखा है। इसे हमने 2 क्वेश्चन में पहले क्या किया कि साधारण ब्याज निकाला, किंतु इसमें आपको साधारण ब्याज ऑलरेडी पहले निकाल के दे चुका है, हो जाती है। यह दर 3% और बढ़ा दी जाती है। तो अच्छा, 3% और बढ़ा दी जाती है, यानी कि R इंटू टी, 3 × 3 = 3/100। तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? सिर्फ राशि पूछा है तो हमें ये प्रिंसिपल को लेके काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू ये, ठीक, बाय 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 8 72, तो वह राशि हो गया 72 रुपया। अच्छा देखिए, पहले था 920 रुपया, पहले था 920 रुपया, अब 72 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, 72 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 7 2 9 9, यानी वह राशि क्या हो गया भाई? तो 992 रुपया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 रुपए 2100 की राशि, जैसे बोला ₹2100, ये आपको मिल गया क्या? प्रिंसिपल। राशि 2 वर्ष, यानी टी बराबर हो गया 2 वर्ष, साधारण ब्याज पर रुपए इतना, साधारण ब्याज पर रुपए तो फोन टोन आ जाता है यार। चलिए टी बराबर 2 वर्ष, साधारण ब्याज ये आ गया। देखिए साधारण ब्याज जो है SI जो है इसमें प्रिंसिपल और SI दोनों एड रहता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट SI नहीं कह सकते हैं,
हम इसको अमाउंट कहेंगे, अमाउंट क्या कि प्रिंसिपल में सॉरी अमाउंट में जो है ना आपका प्रिंसिपल भी घुसा रहता है और एसआई भी घुसा रहता है। साधारण ब्याज पर 2352 रुपया, 2352 रुपया हो जाती है। हो जाती है कहने का मतलब कि उसमें एसआई भी जुट जाता है और प्रिंसिपल तो खैर रहता ही है, तो इसलिए वो अमाउंट हो गया। अभी इससे पहले बताए थे। अच्छा, दर जो है, दर यानी कि रेट, वो कितना है 1% घटा दी जाती है, तो नई ब्याज क्या होगा? देखिए, इससे पहले जो हम किए थे क्या, R इंटू टी, 1/2 बराबर 2/100, प्रिंसिपल कितना है 2100, 2100, ये 2020 कट गया, 21 × 42, ये जो 21 × 42 आया ये कहीं ना कहीं तो भाई अमाउंट में छुपा हुआ है। बात को समझना है थोड़ा सा, यहाँ सा एक लॉजिक है, अमाउंट में ऑलरेडी पहले से घुसा हुआ है। देखिए, ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 2352 रुपया, इसमें हमारा क्या है, दो चीज है, एक प्रिंसिपल भी है और एक एसआई भी है। अमाउंट में प्रिंसिपल भी है और एसआई भी है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे दे रखा है 2100 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 2100 रुपया, और 2300 में 2100 रुपया प्रिंसिपल ही हो गया, तो भाई हम कह सकते हैं कि 252 रुपया हमारा एसआई है, 252 रुपया एसआई है। तो ये क्या कहा, 1% घटा देने पर, इससे पहले वाला में हम क्या किए थे, जोड़ दिए थे, क्योंकि बोला था कि 3% जोड़ देने पर, और इसमें क्या कर रहा है, घटा देने पर, तो ये जो आया इसको हम क्या करेंगे, अपना एसआई में घटा लेंगे। 0, 5 में 4 गया 1, 210 कितना आ गया भाई, 210। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन राशि पर, देखिए किसी धन राशि पर मतलब आपको पी अभी नहीं दिया है, ठीक है, पर रेट जो है दे रहा है, रेट दे रहा है 3/3/4। इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 × 12 = 3, 15, 15/4%। क्या कर रहा है, प्रति वर्ष की दर पर 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष प्रति वर्ष के पर, 2 × 4 = 5, 5/2, 5/2 ना, ये रेट, ये यहाँ पे 2 नहीं है भाई, यहाँ 3 है, 2 सही 1/3, टी कितना है, 2 सही 1/3 वर्ष। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 6 = 7, 7/3 ब्याज दे रखा है, ब्याज यानी कि एसआई दे रखा है आपको कितना, 210 रुपया। तो राशि पूछ रहा है, आने की आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला को यूज करेंगे, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। यही फॉर्मूला से देखिए पी कैसे निकल जाएगा, एसआई आपको दे रखा है 210 रुपया या फिर 210, पी नहीं दिया है इसलिए पी को पी लिख लेंगे, किंतु आर दे रखा है आपको ये 15/4, और टी दे रखा है आपका 3/7 × 100। देखिए 3 × 5 = 15, 7 × 21 =
ये भी कट गया, 6 5 30 अब नहीं कट रहा है, 6 4 24 दो जीरो है लगा दीजिए, यानी कि आपका पी बराबर क्या हो गया 2400 रुपया, पी बराबर क्या हो गया 2400 रुपया, यहाँ पे पी ही निकाला था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन, कितनी धनराशि 6 वर्ष में, कितनी धनराशि आपको पी नहीं दिया है, टी दे दिया है 6, अच्छा आर दे दिया है आपको 4 वर्ष, एस आई आपको दे रखा है 496 रुपया, SI नहीं है यार, साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाएगी, सॉरी ये अमाउंट है साधारण ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। देखिए यही कर लेते हैं एक चीज, टी इंटू आर 6 × 4 बराबर 24%। एक चीज यहां समझेंगे, दर जो है ये 4% है, 4% वार्षिक दर है, तो 6 साल में 24% हो जाएगा, 1 साल में 4% है तो 6 साल में 24% हो जाएगा, ये क्लियर है। अब ये जो आपका अमाउंट है टोटल अमाउंट कितना है 496 रुपया, अमाउंट में क्या क्या रहता है भाई, तो पी रहता है और SI रहता है, प्रिंसिपल रहता है और साधारण ब्याज रहता है, साधारण ब्याज हो गया आपका कितना 24%, ध्यान से समझना है, साधारण ब्याज हो गया आपका 24% और प्रिंसिपल ये तो भाई अपने आप में 100% रहता है, प्रिंसिपल जो है अपने आप में 100% रहता है, क्योंकि कोई एक राशि होगा जो कि दिया गया होगा, तो कोई राशि जो उसको दिया गया होगा वो राशि तो अपने आप में 100% होगा, वो राशि अपने आप में 100% होगा, रेट और ईयर मिल के टोटल हो गया 24% हो गया, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 24% बराबर 496 रुपया, कुल परसेंट मिला के मतलब कुल परसेंट सॉरी 124 बराबर 496 रुपया, 124% बराबर 496 रुपया, ये क्लियर है। ये जो 100% है ये तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और यहाँ SI जिसमें कि रेट और टाइम मिल के ये इसको 24% बना दिया, 100% और 24%, 124% 124% अमाउंट जिसमें कि पी भी रहता है और SI भी रहता है, प्रिंसिपल भी रहता है और साधारण ब्याज भी रहता है, ये टोटल मिल के कितना हो गया 196%। हमसे पूछा कहा गया है पी, हमको निकालना है पी यानी कि मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, ये तो क्लियर होगा, आप लोग जानते ही होंगे, 100% 496/124% इंटू 100 कट रहा है, 4 4 16 6 1 4 2 8 8 1 9 4 1 4 ये 4 से कट रहा है, 4 को 100 से गुणा कर दीजिए हो गया 400, यानी कि आपका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यहां लिखिए, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 100% बराबर कितना हो गया 400 रुपया, और ये हो गया आपका 96 रुपया, यहां लिख लीजिए आप 400 रुपया, ये हो गया इस तरह से आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्या कह रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4, देखिए यहाँ पे है ईयर और यहाँ पे है रेट यानी कि टाइम कह रहा है पहले 2 वर्ष के लिए
4% हो गया 8। फिर कह रहा है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 6%, 6 चौके 24, और 3 वर्ष के लिए 8%, और 3 वर्ष के लिए 8%, 8 दिया 24, तो 4 4 8 8 16, 16 4 1 5, टोटल हो गया 56%, और इधर ईयर हो गया टोटल 7 7 2 9 साल। ठीक है, साधारण ब्याज अगर इतना हो, साधारण ब्याज अगर इतना हो, ये तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण हो, देखिए इसमें ये जो है ना आपका अमाउंट को दर्शा रहा है, जिसमें कि क्या जुड़ा हुआ है भाई, आपका ये भी है और प्रिंसिप मूलधन, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करिए, छप्पन परसेंट गुना 100। ठीक है, अच्छा आप इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ रहा 1, 5 दूना 10 10 1 11, प्रिंसिपल हो गया इतना 2000 रुपया। ये अमाउंट नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है, कह रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर टी आर, 3 वर्ष के लिए 6 6 18, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौके 28, और अगले 4 वर्ष के का बात बोल रहा है कितना, 7.5%, 7 चौके 28, 4 5 20 2 30। एक आदमी ने इतना रुपए 11 वर्ष के, देखिए इसको जोड़ दीजिए, 30 58 66 76, 11 जोड़ सही है ना, दो दीजिए इसको, 30 30 हो गया 60 60 76, अब इसको 76 से गुना कर दीजिए, 54 5 11 56 58 2 8 7 56 5 8 7 56 6 7 7 6 13 8 8 2 4 1 14 2 8 8 14 2 8 8। चलिए 10 नंबर, कह रहा है कि 2100 की धनराशि को 2 भाग में उधार इस प्रकार दिया गया कि, रुक जाइए, कितना है 2100 रुपया है, इसको 2 भाग में उधार दिया गया। ठीक है, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। कह रहा है प्रथम भाग 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 6% वार्षिक दर से हो गया 6 चौके 24। ठीक है, और कह रहा है द्वितीय भाग में 9% प्रति वर्ष की दर से
2 वर्ष के लिए। इसमें 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से हो गया 9 × 2 = 18। अर्जित ब्याज के बराबर द्वितीय भाग का धनराशि कितनी है? द्वितीय वर्ष का धनराशि पूछ रहा है, द्वितीय वर्ष का धनराशि पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? कट रहा है क्या 3 × 3 = 18, 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, क्या ये जो 2100 रुपया है, ये 2100 रुपया, ये पहला भाग और दूसरा भाग दोनों को जोड़ के 2100 रुपया है। ध्यान से देखना, समझना है, ये पहला भाग और दूसरा भाग दोनों को जोड़ के ये बना है, ये बना है, ठीक है। अब अगर ये आ गया 4 और ये आ गया 3, इसको यहां लिख लेते हैं, ये आ गया 3, दोनों को मिला के हो गया 7, ये दोनों को मिला दिए तो हो गया 7, लेकिन यहां बोल रहा है कि नहीं, दोनों को मिला के हो रहा है 21, दोनों को मिला के हो रहा है 7, दोनों को मिला के हो रहा है 21, यह इससे कितना बड़ा है भाई? तो 7 × 21, यह इससे इतना गुना ज्यादा है। जब 7 × 21, जब ये इससे इतना गुना ज्यादा है, तो इतना गुना ज्यादा अगर इससे भी कर दिया जाए और इतना गुना ज्यादा अगर इससे भी कर दिया जाए, तो 3 × 4 = 1200 और 3 × 3 = 900, 9 × 2 = 1200, 2100 रुपया दोनों को जोड़ने से हो रहा है। तो पहला हमारा दूसरा हमारा कितना हो गया भाई? 900, और पहला कितना हो गया? 1200। देखिए दोनों को मिला के 2100 रुपया हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि दूसरा धन राशि क्या है? तो दूसरा धन राशि क्या है? 900 रुपया, ठीक है। तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर साधारण ब्याज को लेके हम मिलते हैं सेकेंड क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।